हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें या लमसम करें। तो कई इन्वेस्टरों के मन में ये सवाल हमेशा उठता है कि चलो म्यूचुअल फंड में एक बार पैसे डाल देते हैं और उसके बाद 10 साल बाद देखेंगे। और कुछ इन्वेस्टर ऐसा सोचते हैं कि चलिए म्यूचुअल फंड को भी एक इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह ही, मतलब कंटिन्यूअस इसको प्रीमियम की तरह ही इसमें हर महीने कुछ कुछ अमाउंट देते रहें। तो जो लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में इकट्ठा पैसे डाल दें और जो लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में हर महीना थोड़ा थोड़ा करके पैसे डालें, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को आज इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। एसआईपी मींस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी मींस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हर महीने कुछ पैसे म्यूचुअल फंड को देते हैं और मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने भी टेन्योर के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस टेन्योर के हिसाब से आप हर महीने पैसे देते हैं। और लमसम में क्या होता है, लमसम में होता है कि आप एक ही बार में पूरा पैसा आप म्यूचुअल फंड को देते हैं और 10 साल, 20 साल के बाद आप उस पैसे को रिडीम करते हैं। ओके, तो उस केस में क्या होगा, जब आप म्यूचुअल फंड में, मतलब जब शेयर मार्केट हाई होगा, मतलब मार्केट जब हाई होगा और आप अगर उस वक्त लमसम कर दे, और तब क्या होगा जब म्यूचुअल फंड मतलब लो पे होगा, मतलब मार्केट जब अपने लो पे रन कर रहा होगा और उस वक्त आप लमसम करें, तो हर किसी को इस बात की नॉलेज नहीं है या फिर हर कोई मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाता। इस वजह से क्या होता है कि सपोज कोई एक इंसान या फिर कोई एक इन्वेस्टर जो 2008 और 9 के बीच में अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा होता, 2008 और 9 के बीच में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा होता, तो जब म्यूचुअल फंड हाई पे था, मतलब जब मार्केट अपने हाई पे था 2008-07 इस समय के अंदर जब म्यूचुअल फंड अपने हाई, मतलब जब शेयर मार्केट अपने हाई पे था, तो तब जब निफ्टी 5700 के अराउंड था, तब अगर कोई इन्वेस्टर लमसम कर देता, मतलब तब अगर कोई इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट डाल देता, तो क्या होता, तो जब मार्केट क्रैश हुआ, मतलब 2008 के लास्ट में जब मार्केट क्रैश हुआ, तब उसका जो इन्वेस्टमेंट था, मतलब जो 5700 था, वो मतलब 3000 के अराउंड रह गया, 3100-3050 इस अराउंड रह गया। और जब 2010 में मार्केट फिर से मतलब ऊपर की ओर जाने लगा, तब जो मतलब जिसने 2007 में जब मार्केट ऊपर मतलब हाई पे था, तब जिसने लमसम किया था, तो उसका पैसा उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाया। ओके, तो उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक प्लान में जाते तो क्या होता, तो अगर आप 2007 में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते तो आप 2008 का भी मतलब एनएवी मिलता आपको, 2007 का एनएवी भी मिलता, 2009 में जो मतलब 2009 में जो मार्केट जब क्रैश हुआ था तो तब उसका एनएवी भी आपको मिलता। तो एक एवरेज आपका, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट होता तो एक अच्छे एवरेज में रन करता है। तो इस मतलब जो आपको मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है उसमें से ये बात निकल के आ रही है कि अगर आप मार्केट को ट्रैक कर पाते हैं, हर रोज़ अगर आप मार्केट को वॉच करते हैं, हर एक खबर के साथ आप अप टू डेट रहते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड में लमसम आप कर सकते हैं। जब मार्केट गिरेगा तब आप लमसम कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है, आप मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए एसआईपी ही एक अच्छा विकल्प है। ओके, तो उस वजह से क्या होगा, आपको कोई चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप 15 साल, 20 साल के लिए आप मतलब मंथली कुछ पैसे आप एसआईपी के तौर से म्यूचुअल फंड को देते रहेंगे और आपको एक एवरेज रिटर्न मिलेगा, मतलब 15-20% आपको एक एवरेज रिटर्न मिलता रहेगा। ओके, तो आई होप आपको मतलब मैं समझा पाया कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना है या फिर लमसम करना है। कोई भी मतलब एसआईपी भी बुरा नहीं है, लमसम भी बुरा नहीं है, मतलब दोनों का काम अलग अलग है। ओके फ्रेंड्स,
तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।